गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5 प्रीवियस डे आई हैव गिवन द एक्सरसाइज 1.3 टू सॉल्व योरसेल्फ नाउ इन दिस वीडियो आई एम प्रोवाइडिंग यू डिटेल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ योर सब्जेक्ट मैथ्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द न्यूमरल एंड राइट इट्स नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड द क्वेश्चन नंबर ए पार्ट वन इज वन फर्स्ट ए पार्ट इज 42,651,208 नंबर को आपको रीड करना है इसमें राइट डाउन करना है वर्डिंग में तो वर्डिंग में हम राइट डाउन करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले काम हम क्या करेंगे सबसे पहला काम हम करेंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट आपको लर्न होना चाहिए ठीक है प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए देखिए कौन सा चार्ट पूछा इंटरनेशनल तो यू शुड ऑलवेज लर्न दिस चार्ट केयरफुली ओके इंटरनेशनल चार्ट में कितने पार्ट्स होते हैं फोर पार्ट्स ओके पहला पार्ट में तीन डिजिट सेकंड पार्ट में तीन डिजिट और ये जो नेम्स लिखा हुआ है वंस थाउजेंड मिलियंस बिलियन इसी को बोलते हैं क्या प्लेस वैल्यू दिस इज आवर कॉल्ड प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू नेम डिजिट का ये आपका प्लेस वैल्यू का नेम है और हर प्लेस वैल्यू के अंदर तीन तीन डिजिट आते हैं वंस टेंस हंड्रेड अब ये कैसे डिजिट्स बनता है इसके बारे में बता रहे हैं जैसे मान लीजिए वंस पे आपका टू दिया है तो वंस का मतलब होता है वन टू इंटू वन करेंगे तो टू टेंस का मतलब होता है फोर तो फोर सॉरी टेंस प्लेस में अगर फोर डिजिट दिया है तो फोर इंटू टेन क्योंकि टेंस का मतलब टेंस होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी इन दो डिजिट को अगर एड करेंगे तो 42 आएगा दैट्स मीन ये ग्रुपिंग करेंगे इन दो डिजिट का तो आपका फाइनल नंबर ये आएगा उसको रीड क्या करेंगे 42 सिंगल डिजिट होगा तो 2 दो डिजिट होगा तो 42 तीन डिजिट होगा तो 442 या 642 जो भी डिजिट होगा अकॉर्डिंग टू हम ऐसा रीड करेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू का नाम याद होना चाहिए वंस थाउजेंड मिलियन बिलियन ये तो पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए हर प्लेस वैल्यू नेम के अंदर कितने डिजिट अवेलेबल है इंटरनेशनल चार्ट में 3-3 डिजिट आप देख सकते हैं 3-3-3-3 थर्ड थर्ड डिजिट का आपका दिया हुआ है तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है दैट्स मीन्स यू हैव टू मर्ज द डिजिट इन 3-3 फॉर्मेट तो 3-3 फॉर्मेट बनाने के लिए हम पीरियड सिंबल यूज करेंगे पीरियड मीन्स कॉमा कॉमा लगाएंगे ताकि रीडिंग करने में नंबर को आसानी हो अब अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस तरह का एक चार्ट बना लीजिए और इस तरह से नंबर को लिख लीजिए ओके चार्ट के नीचे ये डिजिट एज इट इज लिख लीजिए जैसा डिजिट है और आपको अब रीड करना है राइट साइड से कैसे रीड करेंगे 42 मिल गया तो क्या हो गया 42 की स्पेस पे मिलियंस में तो हम राइट डाउन करेंगे क्या वर्डिंग में लिखेंगे तो लिखेंगे 42 मिलियंस हो गया आपका नेक्स्ट डिजिट क्या है 651 की स्पेस में 1000 में तो हम पढ़ेंगे 651,000 651,000 आपको हमेशा प्लेस वैल्यू का नाम लिखना है 651 क्या है एक डिजिट है नंबर है ठीक है और इसका प्लेस वैल्यू का नाम क्या है 1000 1000 हमने लिखा है इसी तरह देखिए 42 क्या है नंबर है इस प्लेस वैल्यू में मिलियंस तो हमने मिलियंस लिखा ठीक है लास्ट में क्या होता है 208 202 क्या लिख सकते हैं 208 क्या लिख करेंगे इसको 208 ओके तो आपका ये जो नंबर हो गया इसको रीड क्या करेंगे 42,651,208 ये किस सिस्टम में हो गया ये इंटरनेशनल चार्ट सिस्टम में हो गया और अगर यही क्वेश्चन आपको इंडियन चार्ट में पूछता तब आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर इंडियन चार्ट में पूछा होता फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन आपको इंडियन चार्ट में पूछा होता तब आप कैसे इसको लिखते हैं तब आप इसको लिखते हैं 4265 सॉरी पहले नंबर लिख लीजिए और इसके बाद पेयरिंग करेंगे लास्ट में 4265 1208
इंडियन फेस वैल्यू चार्ट में पहला जो फेस वैल्यू होता है तीन डिजिट का होता है, तो कॉमा लगाएंगे तीन डिजिट के बाद, नेक्स्ट टू टू डिजिट पे आपका ग्रुपिंग होता है, और पहला डिजिट को बोलेंगे वंस, दूसरा को टेंस, तीसरा को हंड्रेड, फिर ये आपका हो गया वंस, और ये हो गया आपका टेंस, फिर हो गया ये आपका वंस, ये आपका हो गया टेंस, और ये फिर आपका हो गया वंस। पहला जो ग्रुपिंग होगा तीन डिजिट को, इसको बोलेंगे वंस प्लेस में, इसके बाद दो दो डिजिट को बोलेंगे ये थाउजेंड हो गया, और फिर दो डिजिट का हो गया आपका लैक, और लास्ट डिजिट हो गया आपका करोड़। जब हम इसको रीड करेंगे कैसे रीड करेंगे, फोर करोड़ ट्वेंटी सिक्स लैख फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एट, ये इंडियन सिस्टम में आप वर्डिंग में लिखेंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंस समझ में आया इंडियन चार्ट और इंटरनेशनल चार्ट का, और इंटरनेशनल चार्ट में कैसे हम वर्डिंग में लिखेंगे किसी भी नंबर को, या आपको प्रॉपर एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन, सो वॉच इट एंड लर्न इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्टूडेंट्स क्लास फाइव, प्लीज पे योर अटेंशन। द सेकंड क्वेश्चन इज मार्क द पीरियड्स एंड राइट डाउन द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट अकॉर्डिंग टू इट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एंड द क्वेश्चन इज 1999999995। दिस इज द नंबर, एंड आपको क्या करना है इसका प्लेस वैल्यू बताना है जो अंडरलाइन किया हुआ डिजिट, जैसे नाइन डिजिट का, फाइव डिजिट का, किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, आपको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से निकालना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट कैसा होता है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ चार्ट क्या होता है आपका, हर प्लेस वैल्यू कितने कितने डिजिट में डिवाइड है, तीन तीन में, तो पहला हो गया वंस, वन का आपका तीन डिजिट डिवाइड हो गया, वंस टेंस हंड्रेड, फिर आपका थाउजेंड आ गया, थाउजेंड पे कितने प्लेस में डिवाइड है, तीन डिजिट में, प्लेस वैल्यू थाउजेंड डिवाइड इंटू हाउ मेनी डिजिट, थ्री डिजिट, वंस टेंस हंड्रेड, फिर आपका मिलियंस आ जाएगा, मिलियंस डिवाइडेड टू थ्री डिजिट्स, वंस टेंस हंड्रेड, आफ्टर मिलियन व्हाट विल बी कम, बिलियंस, एंड बिलियन आल्सो इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज वंस, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, ओके। तो पहला रूल आपको क्या बताया था, कोई भी नंबर हो उसको आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, दैट्स मींस आपको डिजिट का पेयरिंग करना है, थ्री डिजिट का पेयरिंग करेंगे तो यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा को ही बोलते हैं पीरियड्स, तो यू शुड पुट पीरियड्स फ्रॉम राइट साइड, दैट इज 995 फिर 999। पीरियड्स लगाने से क्या फायदा होगा, नंबर को रीड करने में आसानी होता है, अगर तब भी प्रॉब्लम हो तो आप डिजिट को एज इट इज यहाँ पे लिखते जाइए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो पहला डिजिट फाइव, फिर नाइन, 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 थ्री नाइन, अगेन थ्री नाइन, एंड देन वन, ओके। आपको पीरियड्स लगाने के लिए बोला है तो आपने पीरियड्स यूज कर लिया, दैट मींस कॉमा यूज किया, तो आपका पहला पार्ट सॉल्यूशन का हो गया, दिस पार्ट इज कंप्लीट। नाउ द सेकंड पार्ट इज आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, प्लेस वैल्यू किसका लिखना है, प्लेस वैल्यू जो अंडरलाइन डिजिट किया हुआ है, प्लेस वैल्यू ऑफ यहां अंडरलाइन किसने किया है, नाइन पे, तो नाइन का प्लेस वैल्यू लिखना है, एंड प्लेस वैल्यू किसका लिखना है, फाइव का। प्लेस वैल्यू मीन्स डिजिट किसके अंदर आता है, तो डिजिट देखिए नाइन हम अंडरलाइन कर देते हैं आपको, इसका प्लेस वैल्यू, एंड देन थ्री नाइन के बाद इसका प्लेस वैल्यू पूछा है, ओके, जो अंडरलाइन डिजिट किया इसका प्लेस वैल्यू पूछा है, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइव किसमें, वंस में। तो जब हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्लेस वैल्यू से, तो कैसे करते हैं, ये वंस पे है तो वन का मतलब वन ही होता है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव क्या हो जाएगा, फाइव इंटू वन इज इक्वल टू फाइव। सिमिलरली नाइन है, सबसे पहले डिजिट को लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं प्लेस वैल्यू से, तो नाइन किस प्लेस पे, टेन, टेन किस में, थाउजेंड में, तो हम टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मीन वन जीरो वन टू थ्री फोर जीरो लग जाएगा, 10,000 हो गया। देखिए 9 किस प्लेस में, 10 में, 10 किसके अंदर है, 1000 में, तो 10,000, 9 इंटू 10,000 करेंगे आपका प्लेस वैल्यू आ जाएगा 9 का, 9 इंटू 10,000 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 90,000। दिस इज द स्टेप्स,
आप प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका आगे 90,000, इसका आगे 5. दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्लेस वैल्यू इन द रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम. इंटरनेशनल में पूछा है तो इस तरह से निकालेंगे, इंडियन में पूछेगा तो चेंज हो जाएगा फॉर्मूला. ओके, इंडियन में क्या होता है, फर्स्ट डिजिट 3 डिजिट पे पेयर होता है, इसका 2 डिजिट का होता है. ठीक है, तो 1 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद इंडियन में क्या आता है, लाख, लाख के बाद करोड़. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मेक ए प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड राइट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग गेम्स. मतलब आपको चार्ट बनाना है इंटरनेशनल सिस्टम का और आपको फॉलोइंग वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करना है. दिस क्वेश्चन गिवन इन नंबर वर्ड फॉर्मेट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ओके, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपको याद आना चाहिए. क्या क्या होता है इंटरनेशनल में, पहले होता है वंस, वंस में 3 पार्ट. क्या क्या है, वंस, टेंस, 100, 3 डिजिट आते हैं. वंस के बाद आपका 1000 आएगा, 1000 में कितना आता है आपका डिजिट, 3 डिजिट सेम, वंस, टेंस, 100. 1000 के बाद आपका आएगा मिलियंस, मिलियंस में हाउ मेनी डिजिट, 3 डिजिट, वंस, टेंस एंड 100. सिमिलरली बिलियंस, बिलियंस में आपका कितना डिजिट आएगा, वंस, टेंस एंड 100. नाउ आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से. अब आप इसको लिखेंगे कैसे, 6,006,006. तो 6 के बाद क्या है, मिलियंस, दैट मींस ये मिलियन में है. और पहला डिजिट क्या है, 6, मतलब सिंगल डिजिट है, वंस में आएगा. तो वंस में आपका कौन सा डिजिट आ गया, 6, और ये मिलियन में, तो मिलियन में हमने लिख दिया. फिर नेक्स्ट है 6,006. अभी 6 डिजिट किसके प्लेस के अंदर है, 1000 प्लेस में. सिंगल डिजिट है तो 1000 में सिंगल डिजिट के नीचे हमने लिखेंगे 6,006. नेक्स्ट 6 सिंगल है, लास्ट छूट गया है, और ये किसमें आएगा, वंस में आएगा. तो यहाँ आ जाएगा आपका 6, और जो रिमेनिंग डिजिट है इसमें आ जाएगा आपका 00. और इसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 600006. प्रॉपर फॉर्मेट में बनाइए, पीरियड्स लगाइए, तो आपका आ गया ये. अब इसको पढ़िए अकॉर्डिंग में, 60,006,006. आ रहा है 6 मिलियन. सॉरी, कॉमा मैंने गलत लगा दिया, 3, 3. नाउ यू कैन रीड एज 6,006,006. दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट. सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6,006,006. ये प्रॉपर फॉर्मेट कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट आप चार्ट बनाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम का लाइक दिस वे एंड प्लेस द फॉलोइंग डिजिट अकॉर्डिंग टू इट प्लेस वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल हेयर 6 डिजिट अंडर विच प्लेस, मिलियन प्लेस. यू कैन सी 6 इज सिंगल डिजिट, सो वी राइट ऑन 6 अंडर द प्लेस ऑफ मिलियन. सिमिलरली दिस 6 कम्स अंडर विच प्लेस, 1000, सो वी राइट 6 डिजिट अंडर द प्लेस ऑफ 1000. एंड द लास्ट डिजिट कम अंडर विच प्लेस, वंस प्लेस, एंड वी राइट अंडर द प्लेस वैल्यू ऑफ वंस. एंड वेन कम्बाइन द फॉलोइंग डिजिट वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. आई होप एक्सरसाइज 1.3 आपको पूरा समझ में आ गया होगा. इसका सोल्यूशन सेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप फेयर कॉपी में रिटर्न करेंगे. ओके, एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 शुड राइट डाउन एक्सरसाइज 1.3 इन योर फेयर नोट कॉपी.